गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पेज नंबर 70, उसके ऊपर जो लॉन्ग जंप है वहाँ हम पहुँचे थे। तो वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़। ये बॉयज़ का लॉन्ग जंप है। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, जो धनु है वो सबसे पहले, धनु है वो सबसे पहला पहुंचा है, तो उसका लॉन्ग जंप कौन सा है? तो आपको वो धनु का लॉन्गेस्ट जंप है वो दिया है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। एंड गुरु जी दिस सेकंड, तो ये जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है ये धनु का है और ये गुरुजीत का है। तो गुरुजीत है वो सेकंड है, तो उसका जंप है जो धनु का जंप है उससे 20 सेंटीमीटर लेस है। ध्यान से सुनिए और समझना कि हम आपके सामने नहीं है तो आपको अपने आप ही समझना है। जैसे मैं बोलूँ वैसे आप ध्यान से वीडियो समझो। ओके, तो धनु है वो सबसे पहले पहुंच गया है, तो उसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट जंप है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये धनु है उसका आपको दिया है कि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये धनु का है, ये धनु है उसका लॉन्गेस्ट जंप है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ये गुरुजी थे, तो ये गुरुजी थे उसका लॉन्गेस्ट जंप कौन सा है? जो धनु का है उससे 20 मीटर लेस, यानी कि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से आप 20 सेंटीमीटर माइनस करो, बाद में जो जंप आए वो डिफरेंस आए वो किसका होगा? गुरुजीत का। उसके बाद गोपीज कम्स थर्ड। ओके, इसके बाद ये जो है वो गोपी है वो थर्ड आई, तो उसका जंप है ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरुजीत जंप। जो गुरुजीत है इसका जंप आया उसमें से आपको 5 सेंटीमीटर माइनस करना है। जो आंसर आए वो किसका जंप है? गोपी का जंप। तो इसके ऊपर से यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए है, हाउ लॉन्ग आर गुरुजी एंड गोपीज जंप्स। ओके, तो आपको ये टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, इसके अंदर फिलअप कर लेना है कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तो वो कैसे आया। मैं आपको नोटबुक में सोल्व करा के समझाती, उसके बाद ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। ओके, तो आप ट्राई करो आप कितना जंप कर सकते हो, तो अबाउट 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ फार कैन यू थ्रो बॉल, आप बॉल कितना मीटर तक थ्रो कर सकते हो, तो आप अपने आप ट्राई करो, बाद में मेजरमेंट करो कि कितना आप थ्रो कर सकते हो। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक फुटबॉल और वॉली बॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। ओके, आप बिग बॉल लो फुटबॉल या वॉलीबॉल और उसको किक मारो, किक पता है ना, पैर से आप किक मारो तो वह कितनी दूर तक जा सकता है वो आपको आइडिया लगा कि यहाँ लिखना है। ओके, अब है दूसरा पेज है, इसके अंदर जो ये दूसरे वर्ड प्रॉब्लम है, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ आप देख रहे हो स्पोर्ट्स का हाई जंप मेन का, लॉन्ग जंप मेन का, हाई जंप वुमेन एंड लॉन्ग जंप वुमेन, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड ये आपको दिया है। और इसके ऊपर से जो ये क्वेश्चन आंसर दिए है 6, ये सब आपको समझना है, तो ये सब मैं आपको नोटबुक में सोल्व करके समझाती हूँ। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का ये जो रिकॉर्ड दिया है ये सब ये ओपन करके रखना, ये सामने आपकी टेक्स्ट बुक ओपन रखना, तो आपको जैसे क्वेश्चन आंसर के अंदर जो ये रिकॉर्ड दिए है सब, तो वो कहाँ से आए ऐसे ना हो, इसलिए आपको ये सब जब मैं क्वेश्चन आंसर सोल्व कराऊँ तब ये बुक ओपन करके रखना है, जैसे आपको पता चले। इसके अंदर जो पेज नंबर 70 के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर थे मैंने बोला था आपको नोटबुक में सोल्व करके समझाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग आर गुरुजी टेन गोपीज जंप। ओके, तो धनु का जंप दिया है, उसके ऊपर से हमें गोपी एंड गुरुजीत का जंप फाइंड करना है। तो हमें गुरुजीत का जंप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड गोपीज जंप इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेकिन वो कैसे आई वो मैं आपको मेथड करके नीचे समझाती हूँ। तो मेथड के हिसाब से पहले हम गुरुजीत का जंप फाइंड करेंगे। तो टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा दिया है कि जो गुरुजीत का जंप है वो धनु के जंप से 20 सेंटीमीटर माइनस है। तो धनु का जंप क्या दिया है?
धनु का जंप हमें बुक के अंदर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, ये धनु का जंप है। इसमें से उसका जो है जंप उससे 20 सेंटीमीटर माइनस है, ऐसा लिखा है। तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से आप क्या माइनस करोगे? 20 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर के नीचे मीटर होता है, कुछ नहीं है वहाँ, 0 रख दो। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 4 में से 2 गई है 2, 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 3 मीटर, क्योंकि 0 माइनस करो कुछ नहीं आता। तो गुरुजीत का जंप में क्या मिला? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, अब है धनुष जंप है, वो गुरुजीत के जंप से कितना है? 5 सेंटीमीटर लेस है। ओके, तो हमें गुरुजीत का जंप क्या मिला? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हमने हमको मिला, उसमें से 5 सेंटीमीटर लेस गोपी का जंप है, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर माइनस करो, यहाँ 0 0। ओके, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर 20, 0 में से 5 नहीं जाता, यहाँ 10 लो, 10 में से 5 गया, 5 2 के ऊपर 1, तो क्या आया? 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 3 मीटर, तो क्या आया गोपी का जंप? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मिला हमें गोपी का जंप, क्या मिला? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ हमने लिखा है कि गुरुजीत का जंप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड गोपीज जंप इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब है दूसरा क्वेश्चन, ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। तो मैंने आपको बोला था ऐसे ही आपको ट्राई करनी है और आप कितना जंप कर सकते हो, तो अबाउट हमें आइडिया लगा के लिखना है कि हम अबाउट 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जंप कर सकते हैं। उसके बाद हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, कितना बॉल आप थ्रो दूर तक कर सकते हो, कितना मीटर? तो अबाउट 50 मीटर, वो आंसर में लिखना है। उसके बाद लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। तो आपको क्या लिखना है? ये अबाउट 25 मीटर्स। ओके, अब नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 80 पे, मैंने आपको बोला था टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना, ये जो जंप दिया है यहाँ सब रिकॉर्ड बताए गए हैं, हाई जंप मैन, लॉन्ग जंप मैन, हाई जंप वुमन एंड लॉन्ग जंप वुमन, इस सब का कितना कितना है वो सब दिया है। इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ओके, तो चंद्रपाल शुड जंप 28 सेंटीमीटर मोर टू इक्वल द मेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ओके, उसका आंसर रहेगा ये 28 सेंटीमीटर, लेकिन वो कैसे आया उसकी मेथड हम नीचे समझते हैं। ओके, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें ऐसा बताया है कि कितना सेंटीमीटर चंद्रपाल है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो आप, चंद्रपाल है उसका हाई जंप इंडियन रिकॉर्ड है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। ओके, और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना है तो उसका है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो चंद्रपाल को और कितना सेंटीमीटर, ओके, और कितना सेंटीमीटर जंप किया होता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकता। तो पहले हम क्या करेंगे? माइनस करोगे तो ये समझ में आएगा ना, इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों का माइनस करोगे। तो चंद्रपाल है उसका, ध्यान से समझना, चंद्रपाल है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, देखो बीच के वाला बॉक्स है इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप क्या है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, बीच वाला जो बॉक्स है इसके अंदर है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, उसे कहाँ तक पहुँचना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अगर पहुँचना हो तो चंद्रपाल है उसका इंडियन रिकॉर्ड में कितना है? 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से माइनस करोगे, तो ये समझ में आएगा ना कि चंद्रपाल को मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड का इक्वल करने के लिए और कितना सेंटीमीटर जंप करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, इसके अंदर से आप माइनस 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, ऑलवेज प्लस माइनस हो, मीटर के नीचे मीटर और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर होना चाहिए।
वो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आप लिखना है, 5 में से 7 नहीं जाता था, आपको क्या करना है 5 के ऊपर क्या करोगे 15। ओके तो 50 में से 7 माइनस करो क्या आता है 8, 4 के ऊपर 3, 3 में से 1 माइनस करो 2, 2 में से 2 मीटर जाए 0, 0 0 में 28 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया हमारा 28 सेंटीमीटर। ओके तो उसको 28 सेंटीमीटर जंप किया होता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच सकता है। अब है हाउ, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी जंप टू रीच 2 मीटर्स। ओके तो आप पहले बॉबी का देखो, 3 नंबर की लाइन में इंडियन रिकॉर्ड में देखो बॉबी का जंप है कितना है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ओके 1 मीटर 91 सेंटीमीटर है और उसको बॉबी, इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर ओके शुड बॉबी अ जंप टू, उसको 2 मीटर तक पहुंचना हो तो और कितना जंप करना पड़ेगा। तो बॉबी का जंप है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, उसे 2 मीटर तक पहुंचना हो तो 2 मीटर में से आप माइनस करोगे तो ये समझ में आएगा। ओके तो आपको क्या करना है 2 मीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ओके तो मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर ऊपर कुछ नहीं है, 0 0 रख दो। ओके तो आपको क्या करना है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 0 में 7 नहीं ऊपर क्या लोगे 10, 10 में 7 9, 0 के ऊपर क्या लोगे 9, तो क्या आएगा 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 9 लिया है तो इसके ऊपर 1 लोगे तो यहाँ क्या आएगा 0 मीटर। तो आंसर क्या आया 9 सेंटीमीटर। ओके तो जो ये बॉबी है उसको और 9 सेंटीमीटर जम्प किया होगा तो वो 2 मीटर तक पहुँच सकता है। उसके बाद गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना का जंप आप देखो, गलीना का जंप ये लास्ट लाइन में वर्ल्ड रिकॉर्ड में गलीना का जंप आपको बताया है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा कि गलीना का लॉन्ग जंप है वो 7 मीटर है, नहीं है क्या है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो पहला ऑप्शन आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 7.5 मीटर्स, ओके तो 52 यानी कि वो हाफ मीटर ही हुआ, और 8 मीटर्स, तो 8 मीटर्स तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा बी, तो आपको बी ऑप्शन है उसके अंदर राइट करना है और नीचे आंसर ऐसे लिख देना है। ओके अब उसके बाद जो क्वेश्चन है इसके अंदर है लुक एट द वुमन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। ओके आपको क्या करना है वुमन्स का जो हाई जंप है और लॉन्ग जंप है दोनों को डिफरेंस यानी कि दोनों का माइनस करना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो को वुमन है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, वुमन का हाई जंप एंड वुमन का लॉन्ग जंप दोनों बताए, उन दोनों का डिफरेंस करना है। तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, इसमें से आपको माइनस करना है, कैसे करोगे तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ओके तो 2 में से 9 नहीं तो ऊपर क्या लोगे 12, 12 में से 9 गया 3, 5 के ऊपर 4, यहाँ कुछ नहीं है 0 लिख सकते हो तो क्या आया 4। ओके उसके बाद 7 में से 2 क्या आएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, आया आंसर 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। उसके बाद माइक पी कुड जंप हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर्स। ओके ये माइक है देखो आपको दिख रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरी लाइन में बीच वाले बॉक्स में लिखा है माइक का कितना है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो उसको अगर 9 मीटर तक पहुंचना है तो क्या करोगे आप 9 मीटर में से माइनस करोगे। ओके तो 9 मीटर माइनस 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ओके
तो इसे माइनस करो कि 0 का 0 सेंटीमीटर, 10 में से 0 में से 5 नहीं जाता, क्या लोगे? 10 पर लोगे, 10, 10 में से 5 निकालो, यहाँ 5, 0 के ऊपर 9, 9 में से 9 0, ओके। तो 9 में से 8 क्या आएगा, यहाँ 9 लिया है तो यहाँ 8 क्या आएगा, 0 0 मीटर, तो आंसर क्या आया, 5 सेंटीमीटर, ओके। तो और उसे 5 सेंटीमीटर पहुंचना पड़ता, लॉन्ग जंप किया होता तो वो 9 मीटर तक पहुंच जाता। उसके बाद हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज 2.5 मीटर्स, ओके। तो आप देख सकते हो जो आपका रिकॉर्ड है, इसके अंदर आप नज़र करो कि किसका जंप है वो 2.5 मीटर के नज़दीक है, तो जेवियर इज, ओके। आंसर क्या आएगा, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, देखो है, तो उसका है वो 2.5 मीटर से नज़दीक है, तो सी ऑप्शन है वो, हाँ राइट आएगा, ओके, थैंक यू।